रहे नजर आते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। झारखंड राज्य के हजारीबाग में संघ कार्यालय हजारीबाग में विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद अधिकारीगण योगेंद्र सिन्हा, मनोज चंद्र बली, ओम प्रकाश, अजीत विजय कुमार सिंह और सदस्य गण उपस्थित रहे। झारखंड से हमारे संवाददाता लालदेव कुमार सिंह की रिपोर्ट। हाँ, जैसा कि ज्ञात है कि आज विश्व हिंदू परिषद अपना 56वां स्थापना दिवस आज इस हजारीबाग जिले में नगर के माध्यम से अपना स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया गया। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी देशवासियों को और विश्व में सभी लोगों को विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बधाई देता हूं। धन्यवाद गुप्ता, जिला मंत्री हजारीबाग। आज स्थापना दिवस मनाया गया, इसके संबंध में सर आप बताएं। जी, आज स्थापना दिवस मनाया गया हमारे यहाँ हजारीबाग में, और ये स्थापना दिवस साप्ताहिक हम लोग मना रहे हैं। सप्ताह भर हम लोग सप्ताह सब जगह मना रहे हैं, और ये हमारा विश्व हिंदू परिषद का स्थापना श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 1964 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू समाज को एक मंच पर लाना, भेदभाव छुआछूत से दूर करना, और सिर्फ हम हिंदू हैं और हिंदू एकता को एक करने के लिए ये जो है सो स्थापना इसका हुआ। और हिंदू समाज को जो देश आज़ादी के बाद भी हिंदू समाज उपेक्षित महसूस किया अपने आप को, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो, हिंदू समाज का कोई सुध लेने वाला नहीं था। इसलिए हमारे संघ के उस समय के संघ के परम पूज्य गुरु जी ने जो सर संचालक थे, उनकी प्रयास से विश्व हिंदू परिषद का गठन हुआ, और आज निरंतर हमारा विश्व हिंदू परिषद आगे बढ़ रहा है और समाज के बीच जाके समाज का काम कर रहा है और समाज हित में काम कर रहा है, और माता का रक्षा, धरती माता का रक्षा, गौ माता का रक्षा और अपने धर्म की रक्षा के लिए एकदम दृढ़ संकल्प है, और यह कार्य हमारा हो रहा है। धन्यवाद। आप अपना नाम दायित्व तो बतलाएं। मनोज कुमार चंद्रवंशी मेरा नाम है, और विश्व हिंदू परिषद के हजारीबाग विभाग के मंत्री। क्या कार्यक्रम हुआ, कैसे हुआ, इसके संबंध में बोले। नगर का स्थापना दिवस आज मनाया गया। यहाँ पर नगर में लगभग 50 लोग थे जो उपस्थिति थी, और विश्व हिंदू परिषद के बारे में हमारे मंत्री जी ने अपना विषय रखा, ठीक है ना जी सर। और उसके पश्चात उपाध्यक्ष थे यहाँ उदय बाबू, उन्होंने रखा, अपने अध्यक्ष ओम प्रकाश जी है, उन्होंने सारा विषय रखा, विश्व हिंदू परिषद के स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या। तो अपना जैसा इन्होंने बताया ही कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संगठन कार्य करेगा, ऐसा प्रारंभ में ही कहा गया। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना समाज यानी हिंदू समाज जो इधर उधर बिखरा हुआ है, और वहाँ भी संप्रदाय और विभिन्न प्रकार की चीज़ें चल रही है, उनको संगठित करना, उनके धर्म संस्कृति की रक्षा करना, और वे हिंदू समाज में बने रहें इसका प्रयास करना, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना लक्ष्य है। उसी प्रकार से राष्ट्र के विषय में जहाँ तक है कि हिंदू समाज संगठित हो, हिंदू समाज जो है वो सभी कुरीतियों को छोड़कर आगे बढ़े। अनेक प्रकार की कुरीतियाँ हैं, अब अस्पृश्यता है, यह एक कुरीति है, तो इन सबों को समाप्त करते हुए हिंदू समाज अपने देश में भी संगठित होकर एक अच्छा प्रदर्शन करे, सभी लोगों को कुछ मिलता रहे, इस प्रकार की स्थिति रखा गया है। सर, आप तो विश्व हिंदू परिषद का पुराने कार्यकर्ता हैं, आज किस पद पर है सर, अपना नाम और पूरा पद बताएं। हम प्रांत के कार्याध्यक्ष हैं, योगेंद्र नाथ सिन्हा। धन्यवाद सर। हजारीबाग के बड़का गांव में विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दुर्गा वाहिनी मातृत्व शक्ति एवं एकल विद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में कुशवाहा धर्मशाला बड़का गांव गुरु छुट्टी में विश्व हिंदू परिषद का 55वां स्थापना दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। साथ ही संपूर्ण हिंदू समाज को अपने धर्म के प्रति समर्पण भाव से सजग होकर काम करने तथा गौ हत्या धर्मांतरण बंद करने का
संदेश दिया। इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में विश्व हिंदू परिषद प्रखंड अध्यक्ष प्रोफेसर लाल देव महतो, महामंत्री खीरेन्द्र गुप्ता, सहमंत्री रंजीत कुमार चौबे, बजरंग दल संयोजक सुभाष ओझा, समन्वय प्रमुख भोला प्रसाद, नागेश्वर महतो, गिन्नी वर्मा एवं सैकड़ों हिंदुओं की उपस्थिति में इस कार्यक्रम को सफल बनाया गया। झारखंड से हमारे संवाददाता लाल देव कुमार सिंह की रिपोर्ट। आप दुर्गा वाहिनी का संयोजक हैं, तो आपको क्या दायित्व दिया गया है, कहाँ से संयोजक? अच्छा, तो आज किस चीज का उत्सव मनाया जा रहा है, इसके संबंध में बोले। विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस है, आज उसी का हम लोग मनाया जा रहा है। मेरा नाम है लक्ष्मी चौबे। तो आप अपने गांव में या अपने प्रखंड में, अपने सभी जगह अगल बगल में लोगों को प्रोत्साहित करते हैं दुर्गा वाहिनी के बहनों को साथ में? हाँ, क्या क्या करते हैं इसके संबंध में बताएं। एक दूसरे को जगाते हैं, बताते हैं सबको कि आप विश्व हिंदू परिषद में जुड़िए, इसको आगे बढ़ाइए, सब हिंदू ग्रुप सब एक मिल के काम कीजिए, मिलजुल के सब रहिए। हिंदू भाई लोग सब एक दूसरे को बना पटा नहीं रहता, उन लोग को सबको मिलजुल के रहना है। तो क्या सभी लोग बोलने पर जागते हैं, ऐसा महसूस होता है कि लोग? बहुत कोई सुनता है, बहुत कोई नहीं सुनता है, लेकिन धीरे धीरे एक दूसरे सब कोई सुनी जाए। तो ऐसा नहीं लगता है आपको कि हिंदू हैं वो, और हिंदू होने के बावजूद भी उनको हमको बताना पड़ता है कि आप हिंदू हैं और जागिए, ये कितना नींद से सोए हुए हैं, इसके संबंध में और आपने क्या क्या सोचा है, क्या क्या करना चाहिए कि वो लोग जागे? जागते नहीं है? नहीं, जागते तो नहीं है, लेकिन बहुत ऐसा जागरूक करना है कि सबका माँ बहन है, एक दूसरे को लोग समझ नहीं रहा है, इस वजह से वो लोग को ऐसे समझाना है, सबको बताना है। बहुत हिंदू हो के भी नहीं समझ रहे हैं कि हम हिंदू हैं, और एक दूसरे को बताना पड़ता है कि आप हिंदू हैं, एक होइए, एकजुट कर होके काम कीजिए, मिलजुल के रहिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। तो आप फिर इसके बारे में क्या सोचे हैं, कुछ नया उपाय सोचे हैं कि वो लोग को जागने में आसानी हो, जगाने में आसानी हो? सोचे हैं कि अपना गांव में एक कुछ कार्यकर्ता ऐसा कुछ करेंगे, स्कूल वगैरह कुछ चलाएंगे इसका हम लोग, कि सब जितनी भी बच्ची लोग हैं, छोटा बच्चे हैं, बड़े हैं, सबको बुला के सबको सिखाया जाएगा, कुछ बताया जाएगा, वो लोग को सिखाया जाएगा, ये सोचे हैं अभी कि हम सबको। चलिए, बहुत अच्छी बात है आपने सोचा। हाँ, आप फिर से अपना नाम और पद बताएं। मेरा नाम हुआ लक्ष्मी चौबे, प्रखंड ग्राम लंगातू का संयोजिका। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज स्थापना दिवस के संबंध में कुछ बताएं। आज विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस बड़कामा प्रखंड में मनाया जा रहा है, जो 55वां दिवस के रूप में, वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। और मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हिंदू समाज या हिंदू धर्म को शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए हम सभी हिंदुओं को सहयोग होना चाहिए, और हम सभी सनातन धर्म या हिंदू धर्म को मानते हैं, इसलिए हम लोग हर वर्ष स्थापना दिवस मनाते हैं। धन्यवाद सर। अपना नाम और पद बताएं। मेरा नाम हुआ लालदेव महतो, मैं प्रखंड अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद बड़का गांव। धन्यवाद सर। हाँ, आप? मेरा नाम सुभाष कुमार ओझा, प्रखंड संयोजक। हाँ, तो ये हर वर्ष ये भांति इस वर्ष मनाया जा रहा है कि इस वर्ष स्टार्टिंग शुरू किया गया है, इसके संबंध में बताएं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है तो विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, और हम लोग का जो है तो एक एक कर्तव्य और सबका एक ही मानना है कि हम लोग सभी हिंदू को जो है सो एकत्रित करें और संगठन को जो है सो मजबूती से लेकर चले। तो हर वर्ष सुभाष जी ये कुशवाहा धर्मशाला में ही मनाया जाता है कि कहीं जगह बदल बदल कर बनाया जाता है, इसका सामने वाला? नहीं, कुशवाहा धर्मशाला में भी मनाया जाता है, कभी ये राम जानकी मंदिर में भी मनाया जाता है। स्थान कोई? हाँ, एक स्थान निश्चित नहीं हुआ है। धन्यवाद। आज आप विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस मना रही हैं, तो इसके संबंध में कुछ बताएं।
आज विश्व हिंदू परिषद की स्थापना दिवस मनाई जा रही है। ये 55वां वर्षगांठ है और जो हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं इसलिए कि ताकि हम लोगों के हिंदू लोगों में अपना उत्साह अपने धर्म के प्रति बढ़े। तो आपको क्या दायित्व दिया गया, किस दायित्व में है अपना परिषद? बड़का गांव प्रखंड के मातृत्व शक्ति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसमें नारियों को अपनी शक्ति को पहचान में लाना है और अपनी शक्ति को पहचानते हुए आगे बढ़ने का निर्देश देते हैं। तो क्या इसमें कार्य प्रगति पर चल रहा है आपका? जी बिल्कुल, हमारी कार्य प्रगति पर चल रही है। तो कितने दिन से आप इसमें जुड़ी हैं? लगभग 1.5 साल हो चुका है। 1.5 साल में कितना परसेंट कामयाबी मिली है आपको, इसका समझ में आता है? मुझे से बहुत परसेंट कामयाबी मिली है और दूसरा हमें सहायता मिलती है, जो गांव-गांव में एकल विद्यालय जो बनाया गया है उसके द्वारा हम लोग को ज्यादा सहयोग मिलती है, क्योंकि वहां पे बच्चों को अपने धर्म के बारे में बताया जाता है, जिससे बड़े तो इससे जागरूक हो ही रहे हैं पर बचपन से ही बच्चों को इसके प्रति बताते हैं ताकि वो अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार को पहचान, हिंदू संस्कार को पहचान सके, संस्कार को पहचान सके। उनमें कण कण में अपनी सभ्यता को भूलने की क्षमता नहीं। धन्यवाद। बड़का गांव प्रखंड अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में किया गया मनरेगा कार्यों का सिंधुवारी पंचायत में सोशल ऑडिट यूनिट JSLPS मनरेगा अंकेक्षण के द्वारा जांच कर सिंधुवारी पंचायत में 6 गांवों का पंचायत स्तरीय जन सुनवाई पंचायत भवन सिंधुवादी में किया गया। जन सुनवाई में मात्र 2 गांव के ग्रामीण उपस्थित रहे। झारखंड से हमारे संवाददाता लालदेव कुमार सिंह की रिपोर्ट। आप यहाँ कार्यक्रम में आए हैं तो क्या संतुष्टि आपको मिल रही है कि जितने भी क्वेश्चन आए हैं सभी का जवाब संतोषजनक मिल रहा है? जो भी निर्णय हो रहा है अभी आप लोग के सामने ही हो रहा है और संतोषजनक सब सारे नहीं कह सकते हैं कि पूरी संतोषजनक है। काम में जो गलतियां निकल के आए हैं वो पूरे जनता के सामने रखी गई थी और यही गाँव के लोगों से चयनित करके जो 5 जीवी में रखा गया था और इस पंचायत के पंचायत समिति जो प्रशासनिक सेवा उन्हें किए थे वो अनुपस्थित रहे हैं, वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए उनके पैनल पर बिना किए हुए और यहाँ पर जन सुनवाई की गई है और ब्लॉक से जीवी आए हुए हैं और उनमें से जो उभर के मुद्दे आए हुए हैं। अभी टोटल इसमें 37 योजनाएँ थी जिसमें 15 वो आवास की योजना थी और बकरी सेट 6 और शौचालय 6 ऐसे करके टोटल 37 योजनाओं की टोटल सामाजिक अंकेक्षण की गई। अब इसका पूरा रिपोर्ट जो है सो इसका कंपाइल। आपने अभी कहा कि सारे मौजूद नहीं हैं, मौजूद नहीं हैं और बार भी मौजूद नहीं आते होते होंगे, उनके बारे में क्या प्रक्रिया किया जाएगा? उसका ये है कि समाज जो जनप्रतिनिधि हैं जो पंचायत के लिए कर्तव्य के लिए उनको खड़ा सभी लोग अपने प्रतिनिधित्व के लिए दिए गए और उनकी जब गांव की मूल्यांकन उनके लोगों की बात हो रही है जन मुद्दों को लेकर उनके मामलों को, अगर उसमें वो नहीं आके अपने गांव की बातों को रख पा रहे हैं तो ये गांव के लिए बड़ा दुर्भाग्य। आप बराबर यहां आते हैं कि आज पहली बार आए हैं? मैं यहां से सोशल ऑडिट इकाई से VIP के रूप में रहता हूं, मुझे वहां से आवंटन की जाती है, जहां पंचायत आवंटन की जाती है मैं वहां जाता हूं। ये कितने बार? यहां मैं इस पंचायत में पहली बार आया हूं। तो आपने क्या देखा यहाँ, कैसा लग रहा है? यहाँ देखे जो है कि कुछ योजनाएं जो है सो काम धरातल पर हुई है, उसमें फाइलों दस्तावेजों में कमी आई है, जो दस्तावेज में कमी आए हैं वो रखा गया। कितना प्रति सुधार होने की उम्मीद या चांसेस नजर आ रहा है अभी? उम्मीद अब यहाँ के जीवी के निर्णय और आगे की कार्रवाई के बाद ही यहाँ पता कर सकते हैं। मुझे जो बातों को लेके हम रखना था मैंने उसको पूरी स्पष्टता से रखे हैं, जो लोगों की थी शिकायतें उसको मैंने रखा, जो यहाँ की रिपोर्ट है उसको मैं जीवी के रूप में रखा, जो यहाँ नहीं हो पाएगी उसको एक ब्लॉक हेयरिंग होगी और ब्लॉक हेयरिंग के बाद जन सुनवाई के बाद एक डिस्ट्रिक्ट हेयरिंग होती है, उसके बाद स्टेट हेयरिंग। जिनका भी फॉल्ट गलतियाँ निकल रही है जो स्वेच्छा से उसको स्वीकार कर रहे हैं? कुछ स्वेच्छा से तो स्वीकार कर रहे हैं लेकिन मान इसका मतलब सुधार होने की उम्मीद, सुधार की उम्मीद है लगी हुई है। चार रेवेन्यू विलेज का आपने बताया तो 4 रेवेन्यू विलेज के सारे लोग उपस्थित हुए? 4 रेवेन्यू विलेज में सभी लोगों को कहा गया, ग्राम सभा हुई थी, लोगों ने उपस्थिति हुआ है और कहाँ कहाँ की उपस्थिति हुई है भीड़ में हम नहीं देख सकते हैं कि कहाँ के लोग उपस्थिति हुए हैं। तो आपके द्वारा जो है ये यहाँ पे जो होना है प्रोग्राम या ग्राम सभा हुआ आज जो सुनवाई हो रहा है तो इसके लिए आपके द्वारा क्या प्रचार प्रसार किया गया था जो लोगों में कमी दिखा गया? मैंने डोर टू डोर गांव भ्रमण 17 दिन जो किया था उसमें सभी से ग्रामीणों से और जिनके जॉब कार्ड थे उनसे मिले गए
उन्हें बुला गया घर डोर बाय डोर टीम के घर पर जाके। अब वहाँ से वो तो सबसे बड़े प्रचार है कि उनके स्वयं के हैं और स्वयं आप उसमें से कितने लोग आए वो आप लोग ही देखें। तो इसमें जो ग्रामीण विकास के तरफ से जो गाइडलाइंस आपको मिला है, जिस हिसाब से जूरी को चयन करना, जूरी को निर्णय के लिए बैठाना, तो उस हिसाब से तो जूरी तो है नहीं, पंचायत समिति सदस्य नहीं है, तो उसके बगैर क्या आपका करना सुनिश्चित हुआ? सही है, समाज सेवी के रूप में उसको करना है, पैनल के हिसाब से नहीं कि ग्रामीणों से रिटायर टीचरों के द्वारा से। अगर उसके नहीं आ पा रहे हैं तो उनके जगह पर तो हमको आज जो कैलेंडर की जारी की गई उसको तो करना ही है। अगर यहाँ पर निर्णय नहीं होता तो हम बोलते कि वो नहीं किया, अब उनके चलते पूरी कार्यक्रम को एक पंचायत समिति सदस्य, तो ये उतना योजना जो नहीं चल रही है फिर भी आगे ना चले, ऐसी बात नहीं है कि योजना भी चलनी चाहिए गांव में और गांव में सभी को लाभान्वित होनी चाहिए। ये उनकी उत्तरदायित्व है कि उन्हें एक सीट और उनके लिए स्थान दिया गया तो उस स्थान पर वो ना पहुँच, जबकि निरंतर उनको मैसेज दिया गया और उनकी बात हो गई। सबसे पहले सभी से परिचय कराता हूँ जो ये जन सुनवाई का सभा में मौजूद है। हाँ, तो आप अपना परिचय थोड़ा ऊंचा सवाल क्या हो रहा था ना? मुखिया सभी का प्रोग्राम कल आप अपना पूरा पंचायत सचिव विजय कुमार है, ग्राम पंचायत से मेजर पूरा किया और पूरा बुलाई का भी मंजूरी। मैं संतोष कुमार टीआरएस जिला पंचायत टीआरएस ग्राम रोजगार सेवा। हाँ सर, आप अपना परिचय भुगतान नहीं हुआ होगा जो कार्रवाई किया सर, इसका आगे से भुगतान करने का ऐसी कर दीजिए। चयनित जूरी सदस्य सर भुगतान तो है। हाँ, आप अपना परिचय। ये मैं रघुनंदन माथुर सामाजिक अनुसंधान के तहत जूरी सदस्य हूँ। अरविंद कुमार कौशल प्रखंड से मुझे जूरी के रूप में यहाँ भेजा गया है। जूरी सदस्य आवाज पूरा नहीं दे पा रहे हैं, क्या बात है, आज भूखे हैं अभी तक क्या? जूरी सदस्य सिंहवारी पंचायत, अक्सर लोग जूरी सदस्य जुड़े हुए हैं। हाँ, आप अपना। मेरा नाम दिवस कुमार हुआ, ग्रामीण विकास विभाग के सोशल ऑडिट यूनिट से डीआरपी के रूप में जो यहाँ सिलवारी पंचायत में 2018-19 की जो समाधि अपेक्षण की जा रही है उसकी पूरी टीम लीडिंग कर रहे हैं, जिसमें अभी पंचायत में 7 दिन का आपका समाधि अपेक्षण किया गया था। ग्राम सभा से आए उभरे मुद्दे को पंचायत जन सुनवाई में भी कार्यक्रम चल ही रही है और मुद्दे को यहाँ पर जीवी के द्वारा निर्णय लिया जा रहा है, अभी कार्यक्रम आगे बढ़ा गया। सर, इस पंचायत में कितने गाँव का आप सुनवाई कर रहे हैं? इस गांव में कितने पंचायत का आप सुनवाई, इस पंचायत में कितने गांव का सुनवाई कर रहे हैं? इस गांव में सभी रेवेन्यू विलेज 5 है, जिसमें से 4 रेवेन्यू विलेज में मनरेगा का काम हुआ था। 4 रेवेन्यू विलेज का ही जिस कार्य में जो वित्तीय वर्ष में 2018-19 में जो खर्च की गई है, जिस गांव में 4 रेवेन्यू विलेज का उसी का ऑडिट किया गया था और उसमें से जो उभर के मुद्दे आए हैं वो आप लोग के सामने बल गए। तो 4 रेवेन्यू विलेज का ही सारे अभी हम मौजूद हैं झारखंड का हजारीबाग जिले में सिनवारी पंचायत भवन में, जहां कार्यक्रम अभी चल रहा है जन सुनवाई का मनरेगा द्वारा। आइए अभी मिलवाते हैं जो कार्यकर्ता सब मौजूद हैं और क्या कार्यक्रम चल रहा है इसके संबंध में आपको जानकारी देते हैं। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फोर्स ऑन सिक्योरिटी फैसिलिटी सर्विस वी प्रोवाइड ऑल टाइप सिक्योरिटी बॉडीगार्ड बॉन्सर एंड सिक्योरिटी गार्ड, कॉन्टेक्ट ऑन 8317070751 9919229153 and 9696859393। ब्रेक के बाद का फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए नजर डालते हैं आगे के प्रमुख समाचारों पर। महाग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के बैनर तले प्रदेश अध्यक्ष हरि नारायण
यादव के नेतृत्व में पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं को लेकर 7 सूत्रीय मांगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 5 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर प्राधिकृत अधिकारी को मांग पत्र सौंपा गया। इसके बाद लखनऊ स्थित प्रांतीय कार्यालय सिद्धि विनायक कॉलोनी पर पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पद पर सुमन क्रांतिकारी को जिम्मेदारी दी गई तथा प्रदेश संगठन मंत्री के रूप में इंद्रजीत सिंह को व प्रदेश सलाहकार गुलाम अली खान को तथा लखनऊ जनपद का जिला अध्यक्ष राजकुमार रोहित को नियुक्त किया गया। गाजीपुर से हमारे संवाददाता मोहम्मद जफर इकबाल की रिपोर्ट। लेकिन चौथा स्तंभ होने के बावजूद भी आज तक देखा जाए कि पत्रकारों को शासन प्रशासन की ओर से कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती है। इसी को लेकर आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हरिनारायण यादव जी के साथ मिलकर हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के आवास पर गए और जाने के बाद 5 सूत्री मांग रखी, जिसको अगर नहीं पूरा हुई तो उसके लिए हम जिला स्तर पे प्रदेश स्तर पे पूरा संघर्ष करेंगे। आप लखनऊ से जिला अध्यक्ष हैं जी, अगर मान पड़े तो अगला आपका स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप यही होगा कि और भी पत्रकारों की जो भी और भी समस्याएं हैं उनको देखा जाएगा कि अगर ये मांगे पूरी हो गई तो हम और मांगों के लिए हम लोग लड़ेंगे। ओके आज महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हरिनारायण जी हैं यहाँ पर और मुख्यमंत्री को पत्रकारों को जो समस्या उत्पन्न हो रही है उत्पीड़न हो रही है उसके संबंध में ज्ञापन दिए हैं और कुछ मांग किए हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या पत्रकारों की उन्होंने मांग किए हैं और क्या उनका आगे की योजना है? इसी को लेकर आज हम लोग 5 सूत्री मांग पत्र दिया गया है जिसमें पत्रकारों को उत्पीड़न सहित है, जो पत्रकारों को जो बस की सुविधा मिले, पत्रकारों को अस्थायी समिति में स्थान मिले और पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया हो, ये सारी चीज़ों को लेकर हमने आज 5 सूत्री मांग पत्र दिया हूँ, जिसमें हमारे संगठन मंत्री हैं, हमारे महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जी हैं, हमारे जिला के लखनऊ जिला के जिला अध्यक्ष राजकुमार रोहित जी हैं, सारे लोग हैं, गाजीपुर से आए हमारे उपेंद्र जी हैं जिला अध्यक्ष, सारे लोग आज मिलकर मांग पत्र मुख्यमंत्री जी को सौंपा गया है, मगर मुख्यमंत्री जी तो थे नहीं मगर उनको दे दिया गया है। हमारे साथ संगठन मंत्री प्रदेश के हैं इंद्रजीत जी, इनसे पूछेंगे कि इनकी क्या मतलब मुख्यमंत्री जी से मांग है और क्या पत्रकारों के हित में इनका कार्य करने की योजना है? आज मैं प्रदेश संगठन मंत्री श्री रंजीत सिंह जी आज पत्रकारों के विभिन्न मांगों को लेकर के अपने प्रदेश अध्यक्ष हरिनारायण यादव जी, महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुमन क्रांतिकारी जी, ये लखनऊ हमारे जिला अध्यक्ष श्री राजकुमार रोहित जी, ये गाजीपुर के जिला के जिला अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी, सारे लोगों के साथ प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के ये बैनर तले हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से जो है विभिन्न मांगों को रखा और दमदारी के साथ आज पत्रकारों के ऊपर जो प्रदेश स्तर पर जो जानलेवा हमला हो रहा है पत्रकारों की रक्षा और सुरक्षा के लिए हम लोगों ने उनसे मांग रखी और शासन और प्रशासन की अनदेखी जो की जा रही है उस पर जो है अगर नहीं हुई तो लड़ाई दमदार लड़ी जाएगी। हमारे साथ लखनऊ जिला अध्यक्ष भी है राजकुमार रोहित जी, इनसे हम पूछते हैं कि इनकी क्या पत्रकारों के हित के लिए क्या इनका पत्रकारों के हित के लिए हम लोग जैसा कि माना गया है कि गंगेश डेफ स्पोर्ट फाउंडेशन द्वारा 2 दिवसीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें मूक बधिर बच्चे आमंत्रित थे। फाउंडेशन के संस्थापक अमित कुमार रहे वाराणसी डेफ शतरंज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनिल राजभर, कैबिनेट मंत्री हेमंत सिंह, जिला उपाध्यक्ष बीजेपी आरडी यादव मुख्य अतिथियों का आगमन हुआ एवं गंगेश डेव स्पोर्ट्स फाउंडेशन के द्वारा कुछ मुख्य सदस्य नेहा शर्मा, सुनीता मिश्रा, रवि कुमार, मनोज यादव और राकेश पटेल उपस्थित रहे। वाराणसी से हमारे संवाददाता संजय सिंह की रिपोर्ट। Thank you.
हंसराज विश्वकर्मा, भारतीय जनता पार्टी, जिला अध्यक्ष वाराणसी। आज क्या करते हैं? आज गंगे डेस स्पोर्ट्स शतरंज प्रतियोगिता ग्राम पंचायत चांदपुर पंचायत भवन में जो आयोजित हुआ है, जो उस प्रतियोगिता में प्रतियोगी भाग लिए थे, आज उनको पुरस्कार वितरण का एक कार्यक्रम है। उस बीच में थोड़ा मैं दुख जरूर अफसोस करूंगा, श्रद्धांजलि भी दूंगा कि अपने देश के नेता भारतीय जनता पार्टी के माननीय अरुण जेटली जी, पूर्व वित्त मंत्री जो थे, जिससे देश चलता है वो इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मैं इस क्षेत्र के लिए सौभाग्यशाली हम लोग सब लोग हैं कि हमारे इस चंदौली क्षेत्र के बगल में वाराणसी क्षेत्र जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, यहाँ पर जो जिस क्षेत्र में हम लोग हैं, यहाँ के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी हैं, यहाँ के अभी अभी जो पद मिला है उत्तर प्रदेश सरकार के, जिस के लिए यहाँ हम लोग पुरस्कार वितरण कर रहे हैं दिव्यांगों के लिए, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। यहाँ अभी हमारे इस क्षेत्र के विधायक सम्मानित आदरणीय अनिल राजभर जी जो इस विभाग के मंत्री बनाए गए हैं, हम लोगों को बड़ी खुशी है। मैं यहाँ जनता के बीच में यहाँ आह्वान करता हूँ, घोषणा करता हूँ कि यहाँ जो इस दिव्यांग के मैनेजमेंट के लोग हैं, उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि जितनी बढ़िया से बढ़िया जो भी व्यवस्था जिस तरह का भी हो, वह एक प्रोजेक्ट बना लें। हम लोग अपने मंत्री जी को यहाँ लाएंगे, उनको जितनी भी सहायता हो सकती है, जितना भी अच्छा से अच्छा सहायता हो सकेगा, जिस भी तरह का होगा, चाहे पढ़ाई हो चाहे खेल हो, उनके विकास का जो भी जिस तरह का व्यवस्था होगा वह हम लोग करवाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। इस मंच पर हमारे हेमंत सिंह जिला के उपाध्यक्ष, आर डी यादव, विजय यादव त्रिपाठी जी, किशन पांडे जी, अब अपने विनोद सिंह जी और प्रियदर्शी जी, अपने धर्मराज तिवारी जी, मनोज यादव जी, यहाँ उपस्थित सभी जो अपने पूर्व प्रधान जी, जितने भी अपने यहाँ सभी जितने उपस्थित हैं, जो यहाँ जिस दिव्यांगों को जिस तरह से वो गुण सिखाती हैं, वो भी सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित तौर पर थोड़ा आप लोग एक कदम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग दो कदम आगे बढ़कर दिव्यांगों के लिए जो हो सकता है पूरा हम लोग करेंगे। और मैं इसी के साथ अपने बात को समाप्त करता हूँ, शुभकामना के साथ, और अच्छा से अच्छा प्रोजेक्ट बनाइए आगे। जो ये थे अभी के समाचार, आए कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए 5 न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।